व्यक्ति सरकार बनाने के लिए सीबीआई और ईडी को पीछे लगा सकता है, वो सरकार जो है आज अडानी को लेकर क्यों नहीं लगाती सीबीआई और ईडी को तो पीछे, तो इसलिए नहीं लगाई। आरएसएस ने कहा तो है देश पे हमला है। किसने कहा है? आरएसएस ने। आरएसएस क्या है? संघ है, है? संगठन है। कौन संगठन? इस देश में 7500 चलते हैं। आरएसएस सबसे बड़ा है ना हिंदुओं का संगठन, आपको नहीं पता? मैं भी मोहित शर्मा पंडित होकर मोहित शर्मा को नहीं पता। मैं भी हिंदू, मैं तो नहीं हूँ आरएसएस में। आप क्या है? आप एक मिनट, आप हैं उसमें? वो हिंदू की रक्षा करते हैं वो। एक मिनट सुनिए, ये पत्रकार तो हिंदू की रक्षा करते हैं ना। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश में एक हाथरस में एक बेटी के साथ जला दिया गया रात रात सबको, तब आया आरएसएस उतर कर? है आया उतर कर? जब जब देश की राजधानी में 8 किलोमीटर तक, सुन लीजिए, जब 8 किलोमीटर तक एक बेटी को घसीटा गया, आया आरएसएस? आप पंडित हैं? हैं? आप पंडित हैं? आप सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, आप पंडित हैं तो मोहन भागवत ने सही कहा है। क्या कहा? पंडितों ने जातिवाद किया है। एक बात आप मुझे बताइए, पंडितों ने जातिवाद किया है जो मोहन भागवत बोल रहे हैं? हाँ। है ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवा कुर्ते को हाँ। भगवा गमछे में बदल दिया और हाँ। आज उस भगवा गमछे को पहनकर कोई दारू के ठेके पे एक शराब की बोतल दे दो, कोई मुर्गा लेने के लिए खड़ा हुआ है, इन्हों को शरम आनी चाहिए। ये मोहन भागवत जैसे लोग हाँ। ये हमें बताएंगे नहीं, ये मोहन भागवत सुन लीजिए, अरे सुनिए, सुन लीजिए, इस देश के अंदर पहले इन्हों को हिंदू मुसलमान को लड़ाने से इनका पेट नहीं भरा था आरएसएस वालों का। ये निक्कर से आज फुल पैंट पे क्या आए, ये देश को सिखा रहे हैं कि किसने जाति बनाई और किसने नहीं बनाई। हैं? आज तक आपने किया क्या है? आज ये बताइए, जातिवाद खत्म कर रहे हैं ना? सुनिए मेरी बात, सुनिए, आज आपको कितना समय हो गया मोहित शर्मा का इंटरव्यू लेते हुए? जब हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो मोहित शर्मा उसे अपने देश की बेटी समझते हुए, अपने घर की बहन समझते हुए हाथरस गए, उनके परिवार से मिला मैं जाके। अंकिता के साथ में जब हुआ मैं उनके परिवार पे गया। आज आप हम भाइयों को बांट रही हैं ब्राह्मणों के नाम पर, सूत्रों, सुन लीजिए, सूत्रों के नाम पर, वैश्यों के नाम पर, क्षत्रिय के नाम पर आप हमें बांटने का प्रयास करिए। पहले आपने दो भाइयों को आपस में लड़ाया, हिंदू मुसलमान को आपने लड़ाने का प्रयास किया कि ये हिंदू मुसलमान लड़ जाए। अब हिंदू मुसलमान नहीं लड़े आपस में तो अब आप हिंदू हिंदू को लड़ा रहे हैं? हैं? आप चाहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र वैश्य और क्षत्रिय से लड़े? ब्राह्मण नहीं, पंडित हाँ, जाति पंडित, पंडित जो है, मेरी बात सुनिए, पंडित और ब्राह्मण में अंतर क्या है बताइए आप मुझे? पंडित और ब्राह्मण में अंतर क्या है? इस देश के अंदर कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय नहीं है। हाँ। सारे हम गर्व से कहते हैं कि हम भाई हैं, लेकिन हमारे भाई हैं। और सुनिए, अगर कोई भी मोहन भागवत जैसा व्यक्ति अगर आकर बोलता है कि पंडितों ने जाति बनाई है, अरे ये पंडित इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलते हैं। इस देश के अंदर एक पंडित खुलेआम कहता है कि इस देश के अंदर शिक्षा का श्रेय सरस्वती को नहीं, शिक्षा का श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है। संविधान का श्रेय इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। और आप जिन पंडितों की बात कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी वो भी पंडित थी। सुन लीजिए, सुन लीजिए, पंडितों को टारगेट क्यों किया? अरे मोहन भागवत चाहता है कि अब पंडित लड़ें आपस में, और पंडित इतने समझदार हैं कि पंडित ब्राह्मण शूद्र वैश्यों को अपना भाई मानते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आप पंडितों की बात कर रहे हैं, मैं एक बात आपको सीधे तौर पर समझा दूं कि पंडित जो है इस देश के अंदर कुछ गलत हो सकते हैं, सारे गलत नहीं हो सकते। ये मैं आपको बताता हूँ, पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती हैं। हर समाज में, हर जाति में, हर धर्म में, हर मजहब में कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन वो जाति, धर्म और समाज कभी गलत नहीं। लेकिन जो उन्होंने मेल मेन बात की वो पहले आप सुन जाइए, मैं मत करिए, बकरे की तरह मिमियालिएगा बात में, पहले सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि जो लोग गलत हैं आप उनको नाम लेकर बोलिए, हम मनोज तिवारी वाले नाचने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा। कि आप बयान देंगे और भाजपा में एमपी की कुर्सी के लिए मोहित शर्मा खड़े होकर सुन लेंगे। अच्छा। मोहित शर्मा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून और संविधान को मानते हैं। सुन लीजिए, हैं, मेरी बात सुनिए, मोहित शर्मा पंडित बाद में, ब्राह्मण बाद में, पहले एक भारत देश के नागरिक है। और मैं छाती चौड़ी करके कहता हूँ, आई प्राउड टू बी इंडियन। लेकिन और मोहन भागवत उन्होंने जो बोला है क्या सही है गलत है? मेरी बात सुनिए, ये जो ब्राह्मणों के ऊपर, ये जो पंडितों के ऊपर जो साजिश रचे ना, ये सोच रहे हैं कि पंडितों के बीच में और ये जो हमारे दलित भाई हैं इनका वोट बटोरने के लिए, अरे इस देश का दलित भाई और पंडित भाई अपने को एक दूसरे से गले से लाके चला। सुन लीजिए, वो समय गया, वो दौर दूसरा था। मैं मानता हूँ उस चीज को, अगर मैं उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो आप मुझे बोलिए। मैं मानता हूँ कंठी माला पहन के दर्शा रहे हैं कि पंडित हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, वो एक समय था जिस समय पर एक छोटी सोच वाले लोगों ने, व्यक्तियों ने कुछ हमारे भाइयों पर, दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार करा, लेकिन आज के दौर में हमारे दलित भाई और ब्राह्मण भाई एक साथ चलते हैं, ठीक है ना?
आप उनको देखते होंगे स्कूलों में एक साथ पढ़ते हैं, कॉलेजेस में एक साथ पढ़ते हैं, अस्पतालों में एक साथ काम भी करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साथ काम करते हैं, तमाम जगह पर। आपको क्या लगता है जो भागवत जी ने कहा सही कहा? अरे मोहन भागवत बताएगा क्या इसकी? मोहन भागवत होता कौन है? गवर्नर रह गया। वो तो बोल रहे जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद। अरे जातिवाद खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म कर दीजिए, क्यों नहीं करते जातिवाद खत्म? तो आप सुनिए, ये मोहन भागवत जब हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ तब पहुंचा क्या बताइए ना? अगर पहुंचाऊं तो मोहित शर्मा पहुंचे, क्योंकि मेरे देश की बेटी थी, मेरे लिए माला पहन के टीका लगा के पंडित अपने आप। अरे कंठी माला पहने चाहे टीका लगाए तिलक लगाए, अब एक बात मुझे बताइए, हमारे यादव भाई हैं वो भी तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, आपको आपत्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं क्या? श्री कृष्ण या माँ दुर्गा या भगवान श्री गणेश किसी एक व्यक्ति के हैं? एक बात लेकिन मोहित जी ये बताइए ना, एक मिनट रुकिए, भगवान सभी के हैं ना? हमारे यादव भाई भी लगाते हैं तिलक, यदुवंशी कहलाते हैं, बड़ी शान से कहलाते हैं यदुवंशी, आपको दिक्कत क्या है? लेकिन अरे मैं आपको एक बात कहता हूँ, हमें मत बांटिए जातियों के नाम पर, हमें जातियों के नाम पर मत बांटिए। और एक बात मुझे बताइए, आज ये लोग जो बोल रहे हैं जातियों के नाम पे, हाँ जी कौन? मैं ब्राह्मण। हाँ जी तुम कौन? मैं क्षत्रिय। ठाकुर हूँ जी, ठाकुर राजपूत। उस समय आपकी कहाँ चली गई थी सारी बिरादरियाँ? जब अंग्रेज आपको कहते थे यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, तब तो नहीं बोले ये निक्कर वाले तो गुलामी कर रहे थे। अच्छा। मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की, जो आज बता रहे हैं ना, सुन लीजिए। हाँ। ये निक्कर वाले तो गुलामी कर रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान अच्छा। दिया, ठीक है ना? देश की आजादी की लड़ाई में मंगल पांडे का योगदान रहा, चंद्रशेखर आजाद का योगदान रहा, अशफाकुल्लाह खान का योगदान, सुन लीजिए। और हमारे जितने भी जो दलित भाई स्वतंत्रता सेनानी, आप उनको भूल जाएंगी? स्कूल के लिए सावित्री बाई फुले को आप भूल जाएंगी? मैं क्या बोलता हूँ, ज्योति बाई फुले को आप भूल जाएंगी? हैं? आप नहीं मानते कि पंडितों ने जाति? मैं आपसे क्या कहता हूँ, एक समय पर जो चीजें थी आज उनको परिवर्तित कर दिया गया। आज तो हम एक दूसरे को गले से लगाते हैं, हम एक दूसरे के घर जाते हैं, एक साथ बैठ के खाते पीते हैं। मोहन भागवत ने इसलिए कहा क्योंकि मोहन भागवत को हिंदू मुसलमान के लड़ाने से उसका पेट भर गया है। आप सोच रहे हैं हिंदू हिंदुओं को लड़ा दें, कहीं लोग रामचरितमानस के नाम पर लड़ रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ हम लोग इस देश के लिए लड़ते हैं, इस देश के तिरंगे के लिए लड़ते हैं, क्यों जाति? लेकिन मीडिया में सब क्यों चल रहा है? क्यों मजहब के लिए लड़े? आप जो इतने सवाल उठा रहे हो, माल मसाला है, टीआरपी चाहिए मीडिया को, तो मसाला चाहिए। और मोहन भागवत है कौन? देश में 7500 संगठन चलते हैं, 7500 संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना? आप प्रमाण देती है कि सबसे बड़ा संगठन है तो फिर माना जाता है ना? कैसे मानती है आप? हिंदुओं का संगठन? मैं तो नहीं मानता, मैं भी हिंदू हूँ, मैं तो नहीं। हर हिंदू को मुद्दे पे आते हैं ना वो, हिंदू को बताते हैं। मनोज तिवारी ऐसे लोग नहीं है, मनोज तिवारी की तरह की चुप बैठे रहे, मुंह तोड़। अरे मनोज तिवारी तो बीजेपी में है, आरएसएस में थोड़ी है, बीजेपी का गुलाम है। आरएसएस अलग संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस, बीजेपी का गुलाम है, इनकी आवाज भी नहीं निकलती है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग बताते हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून और संविधान से चलने वाले लोग हैं। और ये मोहन भागवत जैसे लोग 36,000 बयान देते हैं, इन जैसे लोगों हम लेकिन मोहन भागवत का जो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकालते हैं। जो मोहन भागवत ने कहा है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, वो तो समर्थन करते हैं ना? हमने थोड़ी कर रखा है, कर दो आज खत्म। आज आप एक बात मुझे बताइए, क्या आज मंदिरों के अंदर पंडित पुजारी के तौर पर सिर्फ ब्राह्मण है? और भी लोग हैं, और भी समाज के लोग हैं। तात्पर्य क्या है ब्राह्मण से? ब्राह्मण से तात्पर्य वो है जिसके पास में धर्म का ज्ञान, जिसके पास वेद का पुराण का ज्ञान है, वही व्यक्ति जो है वही व्यक्ति ब्राह्मण है, ठीक है ना? अगर आपके पास धर्म का ज्ञान है तो आप भी ब्राह्मण है। आपके पास धर्म का संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, बस भाई इस देश के अंदर ब्राह्मण होने का परिचय, इसके बाद बुद्धि हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संस्कृत पढ़ी, वो भी भाई ब्राह्मण की उपाधि ले सकते थे, क्यों नहीं ली? उनकी पत्नी ब्राह्मण थी। तो आप लोगों को जाति धर्म मजहब के नाम पर ना बांटे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।